देखिए 11 से 15 वर्ष के बीच में बच्चे किशोरावस्था में पहुंचते हैं, जिसको सामान्यतः लोग टीन एज कहते हैं। बड़ी सेंसिटिव उम्र है, बड़ी संवेदनशील उम्र है, और इस उम्र में माता पिता को विशेष ध्यान बच्चों का रखना चाहिए। इसी उम्र में बच्चा शिक्षा और ज्ञान के बारे में सजग होता है, अटेंटिव होता है। बच्चे को विषय, करियर और सफलता की चिंता होने लगती है। इस समय बच्चे को मंत्रों और आसन आदि के बारे में बताना चाहिए, ताकि हार्मोनल चेंजेस उसके ठीक हो सकें। अगर वो आसन करे, ध्यान करना शुरू करे, मंत्र जप करे, अगर ऐसा करेगा तो बच्चा शिक्षा में एकाग्र होगा और उसका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक तरीके से होगा। देखिए, इस उम्र से बच्चे ये चुनाव करते हैं कि मुझे आगे क्या पढ़ाई करनी है। बच्चे पर अपनी रुचि, अपनी इंटरेस्ट इम्पोज मत करिए, बच्चे पर अपनी रुचि मत थोपिए, उसकी इच्छा अनुसार उसे विषय लेने दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये टीन एज है, इसलिए हार्मोनल चेंजेस बड़े तेजी से होते हैं, तो अगर आपका बच्चा सुबह शाम थोड़े से आसन करे, ज़्यादा कुछ ना करे, सूर्य नमस्कार ही करना शुरू करे, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। 17 साल से 21 साल की उम्र में बच्चा युवावस्था में अपने कदम रखता है, टीन एज से निकल करके युवक या युवती बनता है। जैसा सुनीता ने कहा कि इस समय बच्चों के जीवन की एक नई शुरुआत होती है। किन बातों का ध्यान रखेंगे माता पिता? ये उम्र बच्चों के अंदर बड़े रासायनिक परिवर्तनों की होती है। प्रेम होना, अफेयर होना, अच्छी बुरी आदतें पकड़ लेना, ये सारे संस्कार और अच्छी बुरी आदतें इस उम्र में दिखाई देने लगती हैं। इस उम्र में आप ऐसा करिए, अपने बच्चों को जिम्मेदारी खुद लेने दीजिए। बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों को अपनी छांव से कभी निकलने ही नहीं देते। बच्चा परीक्षा देने जाएगा, माता पिता साथ में जाएंगे। बच्चा पढ़ रहा है, माता जी बैठ के हर समय पढ़ाएंगी, पिताजी बैठ के हर समय पढ़ाएंगे। देखिए, बच्चे को कंट्रोल में रखिए, अनुशासन बनाइए, लेकिन नियंत्रण मत करिए। कंट्रोल ऐसा भी मत करिए कि बच्चा बाद में इस चीज़ों से ऊब जाए। तो बच्चों को अपनी जिम्मेदारी खुद लेने दें, उनकी सहायता करें। उनके कपड़े कैसे हैं, उनकी जीवनचर्या कैसी है और उनकी संगति कैसी है, इसका ध्यान रखें। और उनको बुजुर्गों के साथ रहने की सलाह दें। घर में दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं, उनके साथ रहने की सलाह दीजिएगा। साथ ही साथ व्रत उपवास रखने की आदत अपने बच्चे के अंदर डलवाइए, जबरदस्ती नहीं, प्रेम से। और मैं फिर कहूँगा कि मान लिया बच्चे ने कोई गलत संगति पकड़ ली है या कोई छोटी मोटी गलत आदत उसके अंदर आ गई है, तो उसे मार पीट कर, बेवजह दबाव बनाकर, उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण करके आप ऐसा करने की कोशिश मत करिएगा। इस उम्र में बड़ी बुद्धिमानी से और बड़ी नज़ाकत के साथ बच्चों को हैंडल करने की ज़रूरत होती है। देखिए, 21 वर्ष के बाद बच्चा बच्चा नहीं रहता, किशोर नहीं रहता, युवावस्था में प्रवेश कर जाता है। अब अगर बच्चे के अंदर या युवक होने के साथ उसके अंदर बुरी आदतें आ गई हैं, नशा करने की आदत, गलत संगति में पड़ने की आदत, गलत आहार ग्रहण करने की आदत,
अगर आपके बच्चे के अंदर आ गई हैं तो कैसे उसे दूर किया जाए। माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति रोज सुबह और रोज शाम अपने बच्चे के लिए 108 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करेंगे। सुबह भी करेंगे, शाम को भी करेंगे, रोज करेंगे। हर बृहस्पतिवार को भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करेंगे और पीले फूल अर्पित करके भगवान कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि बच्चे को सद्बुद्धि आए, बच्चा गलत रास्ते पर ना जाए। और वो पीला फूल अपने बच्चे को दे दिया करिए रोज। अगर बच्चा घर में नहीं रहता है, ऑफिस चला जाता है, तो बच्चे के चित्र के पास वो फूल रख दें या बच्चा जहाँ सोता है उसके सिरहाने वो फूल रख दें। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करते जाएं, निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपके बच्चे की नकारात्मकता दूर होगी, गलत संगति, गलत आदत और गलत चीजों से उसकी सुरक्षा होगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।